हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं येस बैंक के ऊपर। दोस्तों, शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए देखने को मिल रहे हैं स्टॉक से, क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 150 मिलियन से ज़्यादा की वॉल्यूम दोस्तों होती हुई देखने को मिली है। 150 मिलियन का ब्लास्ट आज स्टॉक में होता हुआ देखने को मिला है और कल होगा आर या पार। क्यों ऐसा टाइटल डाला गया? क्योंकि दोस्तों कल के दिन यानी सैटरडे के दिन येस बैंक अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने वाला है और जब भी स्टॉक के रिजल्ट्स तो स्टॉक पे एक तगड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो 17% से ज्यादा का उछाल दोस्तों स्टॉक में आता हुआ देखने को मिलेगा। जानेंगे इस वीडियो में क्या होंगे 25 जुलाई के टारगेट, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं येस बैंक एट द रेट ₹15 लेवल वेयर इट्स हेडेड आफ्टर 17% इन अ मंथ। दोस्तों धीरे धीरे येस बैंक का शेयर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और बड़े भी क्यों ना, लास्ट 3 से 4 क्वार्टर में कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्लस निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, सभी इन सभी स्टॉक्स में एक बढ़िया मोमेंटम है। आप देख सकते हैं आज HDFC बैंक ने भी 2 से 2.5% की तेजी करी है एंड आप देख सकते हैं येस बैंक इज ओनली अ फ्यू क्वार्टर्स अवे फ्रॉम टर्निंग अ न्यू लीफ। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल निकल कर आया है बिजनेस लाइन की तरफ से कि दोस्तों कुछ ही क्वार्टर में कंपनी आपको फिर से अच्छे प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी और एक नई शुरुआत दोस्तों आपको येस बैंक करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं येस बैंक शेयर राइजेस अहेड ऑफ Q1 FY 2023, शुड यू बाय सेल और होल्ड, मिंट की तरफ से आर्टिकल निकल कर आया है और इसमें क्या कहा गया है चलिए दोस्तों उस पर गौर करते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल निकल कर आया, अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स जो Q1 अर्निंग्स निकलने वाली है प्राइवेट लेंडर येस बैंक की वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है और NPA जो है वो कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं कि नॉन प्रोविजनल एसेट्स कंपनी के कम होते हुए देखने को मिलेंगे, जो बैड लोन्स है वो कंपनी कम करती हुई देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इससे जो इन्वेस्टर्स है उनको काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल सकता है। एंड अब अगर बात करें दोस्तों हाउ स्टॉक मार्केट एक्सपेक्ट्स मेंटेनिंग एक्चुअल पिक्चर वुड कम ओनली व्हेन द Q1 रिजल्ट्स ऑफ येस बैंक अनाउंस, और असली जो पिक्चर है Q1 के रिजल्ट्स के बाद ही अनाउंस होगी। 23 तारीख वो दिन है, मैं आपको बता चुका हूं। एंड इधर जो टारगेट्स दिए गए हैं वो दोस्तों ये दे रखे हैं कि हर्डल जो है वो ₹15.50 ₹15.80 का है एंड एक बार जो ये लेवल ब्रेक हो गए तो ₹16.20 तक के भी टारगेट्स आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे और आई थिंक सो ₹16.20 ही स्टॉक का 52-week हाई है। अगर अपन आज की मार्केट्स की बात करें तो मार्केट में डेफिनेटली आज तेजी काफी अच्छी थी, बट जो तेजी थी वो कुछ ही सेक्टर्स में थी, जिसमें से पहला सेक्टर था PSU बैंकिंग सेक्टर्स एंड दूसरा सेक्टर था बैंकिंग सेक्टर। ये दोनों टाइप के स्टॉक्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। निफ्टी बैंक में पूरे सभी इंडेक्सेस में सबसे ज्यादा उछाल आता हुआ देखने को मिला है, 550 अंकों का उछाल दोस्तों निफ्टी का बैंकिंग इंडेक्स उछाल देता हुआ देखने को मिला है। एंड येस बैंक का शेयर एक्टिव बाय वॉल्यूम में नंबर 1 पर रहता हुआ देखने को मिला है, 160 मिलियन की वॉल्यूम स्टॉक में आती हुई देखने को मिली है, 40 पैसे आज ये शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर अपन बात करें आप देख सकते हैं अर्निंग्स एक्सपेक्टेड ऑन 23/7/22 यानी कल के दिन दोस्तों कंपनी का अर्निंग्स अनाउंस होने वाला है और आप देख सकते हैं आज के दिन की रेंज ₹15 तक का हाई दोस्तों स्टॉक ने आज इंट्राडे में रीच किया था। डेफिनेटली काफी बड़ा नंबर है ये। अब जो लेवल्स आ रहे हैं वो दोस्तों डेफिनेटली ₹16 के बनते हुए देखने को मिल रहे हैं येस बैंक के स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हैं अगर मैं आपको बाकी के प्राइवेट स्टॉक्स बताऊंगा, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं उन सभी बैंकिंग स्टॉक्स में ये साल काफ़ी बुरा रहता हुआ देखने को मिला है, लेकिन येस बैंक 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स एक महीने में 18% के पॉजिटिव रिटर्न्स ये कमा कर दिया है। बट डेफिनेटली पिछले 5 से 6 सालों में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है, बट जिस लेवल्स पर अभी शेयर मिल रहा है, जिस हिसाब से कंपनी आपको प्रॉफिट कर दे रही है, प्लस कंपनी का रेवेन्यू मार्केट कैपिटल अगर अपन देखें उन सबको एनालाइज करने के बाद दोस्तों मिनिमम 17 से 18 रुपए तक का तो वैल्यूएशन इस स्टॉक का डेफिनेट बनता है। अब अगर बात करें कंपनी का वॉल्यूम का तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम एनालिसिस लगभग 40% की डिलीवरी कल के दिन आती हुई देखने को मिली है। कल के दिन आज से भी ज़्यादा वॉल्यूम आई थी, कल के दिन आई थी लगभग 21 करोड़ और आज आई है दोस्तों लगभग 19 करोड़। तो डेफिनेटली दोस्तों वॉल्यूम एक काफ़ी पीक पे होती हुई देखने को मिल रही है, प्लस लोगों का जो इंटरेस्ट है वो स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 8 करोड़ की डिलीवरी परसेंटेज कल के दिन आती हुई देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो जून क्वार्टर में 4500 करोड़ का कंपनी का 4500 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि
बढ़कर मार्च क्वार्टर में 4,946 करोड़ का होता है। एंड अगर प्रॉफिट की बात करें तो 200 करोड़ 222 करोड़ 265 करोड़ 371 करोड़ लगातार कंपनी का हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ा है। अगर इस क्वार्टर में भी कंपनी प्रॉफिट अनाउंस करेगी अच्छा खासा तो डेफिनेटली स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम बनने वाला है। और आप जो कंपनी का रिजल्ट आएगा उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आउट हो जाएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। एंड आप फाइनली स्टॉक की रेजिस्टेंस की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं 14.70 रुपीज का जो रेजिस्टेंस था वो स्टॉक ने आज क्लियर कर लिया है। अब बस एक ही रेजिस्टेंस बचता है 15 रुपए का। एक बार दोस्तों 15 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आ जाए स्टॉक की तो बहुत बड़ा मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। अगर 15 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आ गई, मान लीजिए कल के दिन रिजल्ट अच्छा आते हैं और 15 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है मंडे के दिन, तो डेफिनेटली एक बढ़िया इंपैक्ट आपको इस स्टॉक में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी आप देख सकते हैं 5 घंटे पहले एक और आर्टिकल निकल गया, यस बैंक शेयर जूम 18% मत एमेड इन्वेस्टमेंट बंद। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट दोस्तों इस कंपनी में होती हुई देखने को मिली जिसके कारण ये शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिला, ऐसा मनी कंट्रोल ने एक आर्टिकल छापा है। एंड कंपनी की दोस्तों मार्केट कैपिटल की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं 36,830 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटल है। नेट प्रॉफिट 370 करोड़ का है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी आपको बनाकर दे रही है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस काफ़ी अभी अट्रैक्टिव है स्टॉक के अंदर और यहां से डेफिनेटली दोस्तों 20-30% तक का अपसाइड आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर स्टॉक के चार्ट की बात करें तो एक बढ़िया पैटर्न स्टॉक ने फॉलो किया है। अप्रैल महीने में स्टॉक ने हाई लगाया 16.25 रुपये का, अप्रैल महीने का गिरावट आती है, जून में स्टॉक बॉटम बनाता है 13 रुपए का एंड वहां से स्टॉक अभी रिकवरी कर रहा है। और ये जो रिकवरी है दोस्तों मिनिमम टू मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम साइड पर 16 रुपए तक जा सकती है और एक बढ़िया कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट आ रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पिछले 5 दिनों में आप देख सकते हैं स्टॉक सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन के बलबूते पर इतना अच्छा करता हुआ देखने को मिल रहा है और अब आगे भी ऐसे कंसोलिडेशन बनेगा तो बढ़िया अपसाइड बन सकता है। एंड अगर चार्ट पर देखें, अगर ये वी शेप का रिकवरी पैटर्न है तो 16 रुपए तक आपको ये शेयर जाता हुआ देखने को मिलेगा, 10-20% तक की अपसाइड आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर स्टॉक में देखने को मिलेगी। और अब जो सारा खेल है स्टॉक का वो सारा इसके रिजल्ट्स पर निर्भर करता है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 16 क्या 18 का भी लेवल दिखा देगा। कंपनी डेफिनेटली पिछले 4 क्वार्टर से नतीजे अच्छे पेश कर रही है और अब तो कोरोना का भी दोस्तों डेफिनेटली कोई डर नहीं है तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छे से बूम करेगा और डेफिनेटली जो येस बैंक का स्टॉक है वो आपको बढ़िया रेंज में टारगेट्स दिखा सकता है। अब अगर बात कर रहे दोस्तों कल के टारगेट्स की तो मेरी यही सलाह है मंडे के दिन इस लेवल पर आपको बाय करना है 14.50 रुपीज और 14.60 रुपीज। डिप में इस स्टॉक को आपको खरीद कर चलना है। मंडे के दिन जो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 15 रुपए, दूसरा टारगेट होगा 15.20 रुपए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 15 रुपए का आप छोड़िए 17 रुपए तक का भी लेवल आपको इंट्राडे में स्टॉक दिखा सकता है, 20% तक का भी अपसाइड स्टॉक लगा सकता है। कंपनी में दम है इतना, बट डेफिनेटली अभी जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक मंडे के दिन के टारगेट्स काफी जानना मुश्किल है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो, अभी सारा जो खेल है वो कंपनी के रिजल्ट्स पर है। कल है दोस्तों वो रिजल्ट्स का दिन, उसका भी वीडियो चैनल पर आ जाएगा। तो दोस्तों एडिट फॉर वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।